हेलो दोस्तों, कत्तर का आईडी को कैसे चेक करेंगे कि आपका आईडी कैंसिल हो गया है या आपका आईडी कब तक वैलिड है। चेक करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे moi.gov.qa, ये कत्तर का एक ऑफिशियल वेबसाइट है। ये लिख करके जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर आपको एक लिंक दिखाई देगा moi.gov.qa, इस पर आपको करना होगा क्लिक। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये अरबी में ओपन होगा, तो कर्नर पे ऊपर देखेंगे तो इंग्लिश लिखा होगा। इंग्लिश पे जैसे दोस्त क्लिक कीजिएगा तो ये सारे चीज़ अरबी से इंग्लिश में हो जाएगा, आपको समझने में आसानी होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंक्वायरीज का, तो इंक्वायरीज वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको करना होगा यहाँ पे क्लिक। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से बहुत कुछ आप आसानी से चेक कर सकते हैं, अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं, अपना आईडी चेक कर सकते हैं, अपना रीएंट्री वीज़ा भी चेक कर सकते हैं। तो वीज़ा सर्विस पर सबसे पहले जाते हैं हम। यहाँ पे वीज़ा सर्विस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा वीज़ा इंक्वायरी एंड प्रिंटिंग, इस पर आप करेंगे क्लिक। दोस्तों ये बात बता दूँ आपको, अगर आपने कत्तर का इंटरव्यू फेस किया है या कत्तर के लिए वीज़ा के अप्लाई किए हैं तो आप आसानी से अपना पासपोर्ट नंबर डाल करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा अभी तक निकला है या नहीं निकला है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वीज़ा निकला या नहीं निकला है, आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर देना है। मैं एक पासपोर्ट नंबर देख करके बता देता हूँ आपको। पासपोर्ट नंबर देने के बाद आपको यहाँ से नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, किस देश से आप बिलोंग करते हैं। मैं इंडियन हूँ तो इंडिया यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो कैप्चर दिया गया है 502, ये देने के बाद आपको सबमिट पे करना होगा क्लिक। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉरी रिक्वेस्टेड वीज़ा नॉट फाउंड, मतलब कि वीज़ा नहीं निकला है इसका, इस पासपोर्ट से कोई भी वीज़ा नहीं है। अगर वीज़ा रहता तो ऐसे वीज़ा आपके सामने ओपन हो जाता। अब मैं आपको बताता हूँ आईडी कैसे चेक करेंगे। अदर इंक्वायरी में जाएंगे, अदर इंक्वायरी में जाकर करेंगे क्लिक। और जैसे अदर इंक्वायरी में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, आपको करना होगा क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पे क्यू आईडी नंबर यानी कत्तर का जो आईडी नंबर है ये देख सकते हैं, ये आईडी नंबर है कत्तर का, ये वाला आपको यहाँ पे देना है। कत्तर का आईडी नंबर आपको आसानी से फिल कर देना, अपने आईडी पर देखेंगे आपका कत्तर का आईडी नंबर दिखाई देगा। उसके बाद ये कैप्चर दिया गया, ये कैप्चर को आपको यहाँ पे फिल करना है 532। उसके बाद सर्च करना है, जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपका आईडी का जो भी डिटेल्स होगा आप ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉट अलाउड टू इंटर द स्टेट ऑफ कत्तर, मतलब कत्तर में आपको अलाउ ही नहीं है इंटर करने के। ये क्यों, रीज़न क्या है, आप लोग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इनका लग चुका है 262 दिन का, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा आउटसाइड ऑफ कंट्री फॉर 262 डेज, मतलब 262 दिनों के लिए आपको नो एंट्री लगा हुआ है इस देश में। अब रीज़न क्या हो सकता है, अब ये खुद जानते हैं, हो सकता है कि ये आए होंगे छुट्टी पर और टाइम से नहीं गए होंगे या अदर भी रीज़न हो सकता है। तो आप लोग अपना अपना आईडी को चेक कर सकते हैं ऐसे ही। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमें हमेशा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।